नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान में। प्रदेश की अहम खबरें। आज संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस है। आइए सुने उनकी दुर्लभ आवाज, जो तत्कालीन बरतानिया हुकूमत के लिए किसी चुनौती से कम नहीं थी। I have the honor to place before you the point of view of the depressed classes of India who represent 1/5 of the total population of British India. Our point of view is this: the British government in India should be replaced by a government of the people, by the people and for the people. We hold that the problem of the depressed classes will never be solved until they get power in their own hands. The time when Britishers were to choose and India was to accept is gone, never to return. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि युवा पीढ़ी उनके सिद्धांत आगे बढ़ाए, यही बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हाल ही संविधान दिवस पर सीएम ने बाबा साहब को याद करते हुए कहा था, संविधान का क्या महत्व है वो बताने का आवश्यकता नहीं, और विशेष रूप से हमारे संविधान जो बनाने वाले आज हमारे बीच में नहीं है, जाट कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। ये मुल्क अनेकता एकता वाला मुल्क है, और उसी रूप में संविधान बनाने का प्रयास किया गया, जिस प्रकार यहाँ पर न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका काम कर रही है और संतुलन रखने का प्रयास किया गया। चुनौती की आई होगी तब भी हमारे यहाँ संविधान की मूल भावना के आधार पर शासन प्रशासन न्यायपालिका अपना काम कर रही है। इस अवसर पर प्रदेश भर में कई आयोजन हुए। डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज में रक्तदान शिविर लगाया गया। बीकानेर के डूंगर कॉलेज में हुई श्रद्धांजलि सभा में विद्यार्थियों ने बाबा साहब के विचार अपने जीवन में उतारने का संकल्प लिया। आज ही होमगार्ड स्थापना दिवस भी है। इस मौके पर जयपुर में होमगार्ड मुख्यालय पर झंडा फहराया गया। दौसा में जागरूकता रैली निकाली गई। उत्कृष्ट कार्य करने वाले जवानों को प्रशस्ति पत्र भी दिए गए। और अब बात G20 शेरपा समिट की। उदयपुर में चल रहा G20 शेरपा सम्मेलन पूरी तरह राजस्थानी रंग में रंगा नजर आ रहा है। दिन में यदि वैश्विक मुद्दों पर गंभीर मंथन होता है, तो कला और संस्कृति से सराबोर रात इन पावड़ों को किसी और ही दुनिया में ले जाती है। इस बीच वक्त मिलने पर मेहमानों ने जमकर खरीदारी भी की है। और ब्यौरा हमारी सहयोगी सालेहा से। जी बताइए। उदयपुर में चल रही G20 की पहली शेरपा बैठक के विभिन्न सत्रों में आज कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। वैश्विक बाजार की चुनौतियों से निपटने और रोजगार के अवसर पैदा करने पर मंथन हुआ। इसके साथ ही भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की रणनीति बनाने, महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने, पर्यटन और सांस्कृतिक मुद्दों पर भी सामूहिक चर्चा की गई। भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत ने कहा कि G20 की बैठक नवाचारों को प्रोत्साहन देगी, इसके साथ ही वैश्विक स्तर पर देश की साख भी बढ़ेगी। विदेशी पावड़ों को आज शिल्प ग्राम भ्रमण करवाया जा रहा है, जहां देश भर से आए लोक कलाकार प्रस्तुतियां दे रहे हैं। डेलीगेट्स को कल कुंभलगढ़ और रनकपुर की सैर करवाई जाएगी। रिदम ऑफ डेजर्ट थीम पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी होंगी। शुक्रिया सालेहा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज अजमेर आईं। उन्होंने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जियारत की। बाद में वे पुष्कर गईं, जहां उन्होंने ब्रह्मा मंदिर में पूजा अर्चना की। शाम को वे किशनगढ़ हवाई अड्डे से कोलकाता लौट गईं। RTDC अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ चूरू जिले में रतनगढ़ के दौरे पर रहे। उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया कि इस क्षेत्र के विकास में कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। भ्रष्टाचार के खिलाफ गहलोत सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत ACB ने आज जयपुर में एक अफसर और कर्मचारी के 6 ठिकानों पर छापेमारी की। ब्यूरो महानिदेशक BL सोनी ने बताया कि छापेमारी में लाखों रुपए नकद और करोड़ों की संपत्तियों के दस्तावेज मिले हैं, जिनकी जांच की जा रही है। उधर ACB करौली टीम ने सरमथुरा थाने के एक हेड कांस्टेबल को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। कांस्टेबल ने झूठे मुकदमे में फंसाने के एवज में परिवादी से 50,000 रुपए की मांग की थी। बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारत और ऑस्ट्रेलिया की सेनाओं का संयुक्त युद्ध अभ्यास ऑस्ट्रो हिंद जारी है। इसमें महिला सैनिक भी दमखम दिखा रही हैं। दुश्मन को ढूंढकर खत्म करने और आमना सामना होने पर मार्शल आर्ट और कुश्ती से दुश्मन का खात्मा करने सहित कई अभ्यास यहां चल रहे हैं। ऑस्ट्रो हिंद 11 दिसंबर तक चलेगा। तो फिलहाल अरिंदम को दीजिए इजाजत। दिन भर की हाइलाइट्स जानने के लिए सुनते रहिए सुजस आवाज राजस्थान। नमस्कार।